वहां पे कोई फन जोन नहीं है, वो कोई अम्यूजमेंट पार्क नहीं है, कोई शॉपिंग मॉल नहीं है। गवर्नमेंट इसको एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी क्यों बनाना चाहती है? गवर्नमेंट क्यों नहीं बियर कर लेती अगर थोड़ा सा लॉस आता भी है तो? यार इसके अंदर टाइगर के अटैक की एक फोटो डली हुई है, टाइगर चार्जिंग की फोटो डली हुई है। आप क्या प्रमोट करना चाह रहे हैं यहाँ पे? आप टाइगर अटैक्स प्रमोट करना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट पे? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल वाइल्ड ट्रैवलॉग। गाइज, आपको पता ही होगा कि कॉर्बेट मैनेजमेंट ने रिसेंट में ही कॉर्बेट के डे विजिट और नाइट स्टे के चार्जेस जो हैं वो रिवाइज कर दिए हैं, और बहुत ज़्यादा एक मेजर इंक्रीज हुआ है इन प्राइसेस में, और साथ ही साथ कॉर्बेट की एक नई वेबसाइट लॉन्च हुई है। तो इन दोनों चीज़ों का क्या इम्पैक्ट है कॉमन मैन के ऊपर, और क्या हमें स्टेप्स फॉलो करने चाहिए आने वाले टाइम में अगर हमें सफारी बुक करनी है, नाइट स्टे बुक करना है, और इस नई वेबसाइट के अंदर क्या गलतियां हैं, क्या खामियां हैं जो बिल्कुल ही एक तरीके से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि नजरअंदाज कर दी गई है, या फिर एक किसी एमेच्योर ने इस वेबसाइट को बनाया है। तो आज के वीडियो में इन्हीं सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए आइए, देर नहीं करते हैं, फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, जैसा कि आपको पता ही है, कॉर्बेट मैनेजमेंट ने रिसेंट में कॉर्बेट के सफारी के प्राइसेस, चाहे वो डे विजिट हो चाहे वो नाइट सफारी हो, दोनों के प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया है। डे विजिट के चार्जेस के अंदर अगर मैं बात करूं तो मेजर इंक्रीज देखने को मिला है, जो कि पहले एक डे विजिट का चार्ज लगभग 950 के आसपास होता था, आज के डेट में वही चार्ज जो है 3300 रुपए के आसपास की एक परमिट पड़ रही है। जी हाँ, 3300 रुपए। अब ये परमिट सिर्फ गवर्नमेंट की जंगल की एंट्री फीस है, जिसके अंदर गाड़ी ड्राइवर और जो टूरिस्ट जाते हैं उनकी एंट्री फीस है। अब इसी के साथ साथ जब आप जाएंगे तो आपको जिप्सी के चार्जेस, जो कि 3500 से लेकर 4000 के बीच में अलग अलग जिप्सी ड्राइवर कोट करते हैं, वो आपको देने पड़ेंगे। तो मैं उनको क्लब कर दूं तो ये लगभग एक सफारी जो है 7000 रुपए के आसपास पड़ने वाली है आपको। अब यहीं पे अगर कोई टूरिस्ट अपने साथ कैमरा कैरी करते हैं तो कॉर्बेट डिपार्टमेंट ने यहाँ पे कैमरा फीस भी अप्लाई कर दी है, जिसका मतलब कि अगर आप लोग 6 लोग गाड़ी में जा रहे हैं और 6 लोगों के पास 6 कैमराज हैं तो आपको पर कैमरा 1000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जिसका मतलब 6000 रुपए और। तो एक सफारी की कॉस्ट कॉर्बेट के अंदर, मान लीजिए सिर्फ एक ही कैमरा अगर आप एक जिप्सी में लेके जा रहे हैं, तो लगभग 8000 रुपए के आसपास पड़ रही है। गाइस, बहुत बड़ा और मेजर इंक्रीज है ये। मैं इन सब चीजों को गलत नहीं समझता हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट को बढ़ाना था, गवर्नमेंट ने 2009 या जब से भी बहुत टाइम से नहीं बढ़ाए थे, दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट इतना मेजर इंक्रीज, और दूसरी चीज, मुझे एक चीज और समझ में नहीं आती, ये जो चीजें हैं दिस इज क्रिएटेड या फिर दिस इज प्रेजेंटेड टू द कॉमन मैन या फिर आम आदमी के लिए जो है एक अवेयरनेस के लिए क्रिएट करी गई है। एक वहां पे कोई फन जोन नहीं है, वो कोई अम्यूजमेंट पार्क नहीं है, कोई शॉपिंग मॉल नहीं है। गवर्नमेंट इसको एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी क्यों बनाना चाहती है? गवर्नमेंट क्यों नहीं बियर कर लेती अगर थोड़ा सा लॉस आता भी है तो? इतनी सारी चीजों के ऊपर पॉलिटिकल लॉस बियर करे जाते हैं, तो इस एक अच्छी चीज के ऊपर जिससे एक आम आदमी की पहुंच तक ये सारी चीजें अवेलेबल थी, तो क्यों नहीं ये थोड़ा सा लॉस बियर कर लिया जाता अगर है तो? इसको प्रॉफिट एंटिटी बनाने के लिए तुले हुए 3000 रुपए 4000 रुपए प्राइस बढ़ा दिया, एक कॉमन मैन की रीच से बाहर हो गया। जो अमीर टूरिस्ट पहले आता था वो तो आज भी आएगा और कल भी आएगा, उसके लिए कोई चेंज नहीं है, उसके लिए 3000 रुपए 4000 रुपए 5000 रुपए ऊपर से देना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप एक आम आदमी के लिए सोचने के बजाय आपने पता नहीं किस एंगल पे जाके चीजों को सोचा और जाके अपनी तरफ से इम्प्लीमेंट कर दिया। देखिए, मैं कोई बहुत इसमें आप लोगों के एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं एक आम आदमी के इमोशंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर ये डिपार्टमेंट में से कोई सुन रहा है तो आप इस चीज को समझ के देखिए। आपको, आई एम श्योर, आप लोगों ने इस चीज के बारे में ध्यान दिया होगा करने से पहले, लेकिन किसी ने यह सोचा कि इसका अब अवेयरनेस के ऊपर या फिर एक टूरिज्म के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? जिप्सी ड्राइवर और सब लोग वहां पे जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने भी ये सब बातें आप लोगों के सामने रखी होंगी, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि आने वाली जो हमारी जो डेकेड्स हैं या फिर जो भी आने वाला जो हमारा पॉपुलेशन है, जो यंग पॉपुलेशन है, उनको ये सब चीजें अब अच्छे से देखने को मिलेंगी। ठीक है, चिड़ियाघर में देख रहे हैं, जू में देख रहे हैं, नेशनल जूलॉजिकल गार्डन्स में देख रहे हैं, वहीं देखेंगे। एक अवेयरनेस जो एक नेचुरल इकोलॉजी है उसके बारे में आई डोंट थिंक सो आपको ऐसे कॉमन मैन टच कर पाएगा।
ठीक है, इस बात से थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे दो टॉपिक कवर करने हैं। एक तो मैंने आपको प्राइस इंक्रीज के बारे में बता दिया जो कि हमने डे विजिट की बात करी। दूसरी चीज है यहाँ पे नाइट स्टे के भी चार्जेस जो कि दो गुना कर दिए गए हैं। लगभग लगभग पहले जो एक नाइट स्टे की परमिट अगर दो दिन की आप काट रहे हैं किसी जोन में, फॉर एग्जाम्पल 7,000 रुपये की पड़ती थी, यानी एग्जाम्पल तो बिजरानी हो गया या डिखाला हो गया, वो उसके चार्जेस डबल कर दिए गए हैं। और इन परमिट से हटा के जो आपको जिप्सी के चार्जेस पे करने थे वो एज इट इज हैं। तो इसमें देखिए मेरे को इतना ज्यादा कंसर्न नहीं है, बिकॉज ठीक है नाइट स्टे इज ओके, जो बहुत ही ज्यादा एंथुजियास्ट होते हैं और जो वाइल्ड लाइफ लवर होते हैं वो लोग जाते हैं, बट डे विजिट में तो यार बच्चे भी आते थे। डे विजिट में स्कूल के बच्चों को भी ले लेके स्कूल वाले आते थे, सब चीजें होती थी। अब आप लोग मान लीजिए पेरेंट्स भी अपने बच्चों को लाते थे, अब आप लोग इस तरीके से अगर प्राइसेस इंक्रीज करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि एक अवेयरनेस जो है लोगों को फैल पाएगी। कॉर्बेट इकलौता एक ऐसा पार्क था हमारे देश में आज के डेट में जो एक सबसे कम रेट पर सफारी प्रोवाइड करा रहा था और सबसे ब्यूटीफुल जोन की, सबसे ब्यूटीफुल जंगल की। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बाकी जंगल सुंदर नहीं है, लेकिन कॉर्बेट की अपने आप में एक सुंदरता बहुत ही शानदार है। आप जाते हैं तो ब्यूटीफुल साल फॉरेस्ट हिल्स, आपको हिमालयन फुट हिल्स के अंदर का जो पूरा एक नज़ारा है, वैलीज हैं, सब देखने को मिलता है। तो कितनी ज़्यादा लर्निंग होती है, कितना ज़्यादा अवेयरनेस फैलती है, वो सब चीज़ें आप थोड़ी सी डिक्लाइन होंगी। ठीक है, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं, नई बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कॉर्बेट मैनेजमेंट ने एक नई वेबसाइट लॉन्च कर दी, यार बहुत ही अच्छी बात है। बहुत दिनों से उसका वो आ रहा था कि न्यू वेबसाइट लॉन्चिंग सून ऑन 1st of October बाय माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो कि CM है उत्तराखंड गवर्नमेंट के। तो यार देखिए मतलब बहुत शानदार इन्होंने वेबसाइट तो लॉन्च कर दी है, वेबसाइट अच्छी भी है। मैं अच्छी के साथ साथ ये नहीं कहूँगा कि एक्सट्रीमली अच्छी है, वेबसाइट अच्छी है, पहले के मुकाबले अच्छी है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत सारी मेजर खामियां हैं जो कि मुझे देखने को मिली। ऐसा लग रहा था कि इस वेबसाइट को देखने के बाद कि इसकी टेस्टिंग हुई नहीं है। आई एम श्योर थोड़ी बहुत हुई होगी जिसने भी करी होगी, लेकिन लोगों ने आंख बंद करके इस वेबसाइट की टेस्टिंग करी है। ये हालत है आज की डेट में इस वेबसाइट की। अब मैं आपको गिनाता हूँ यहाँ पे कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है। अब अगर मैं होम पेज की बात करता हूँ इस वेबसाइट की, तो आप इसके होम पेज पे जाके देखिए। सबसे पहले तो इस वेबसाइट के होम पेज के फॉर्मेट को जाके देखिए। ऊपर बड़ा बड़ा एक सबसे पहले टाइगर का जो या फिर जो भी एक वीडियो उन्होंने वहां पे डाला उसका बैकग्राउंड में वीडियो चलता है, दैट इज ओके। उससे नीचे स्क्रॉल करेंगे, फॉर्मेटिंग देखिए, अजीब सा वो एल आकार का वो फोटो बनने लगता है और अजीब सा कट जाता है, बीच में से अजीब सा चला जाता है। ये ब्राउजर का इशू नहीं है, अगर आप बोलेंगे कि ये ब्राउजर का इशू है, मैंने 2-3 ब्राउजर पे जाकर टेस्ट कर लिया, अलग अलग ब्राउजर पे जाकर टेस्ट कर लिया, अलग अलग सिस्टम पे जाकर टेस्ट कर लिया, सब जगह एक जैसा चल रहा है। तो ये मतलब एक अजीब सी चीज है यार। ये एक आप एक इस लेवल की एक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप पूरे उत्तराखंड के सबसे फेमस पार्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी वेबसाइट बना रहे हैं, तो एक अच्छी वेबसाइट बन सकती थी, राइट? तो ये फॉर्मेटिंग के अंदर, इतने लेआउट के अंदर इतनी बड़ी बड़ी मेजर चीजों को कैसे नेग्लेक्ट कर दिया? अगर माइनर होती तो मान लेते, ये तो सामने सामने दिख रही है। चलिए इसको भी छोड़ दें, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो इसी में थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो जब आप एडवेंचर वाले सेक्शन में जाते हैं जहाँ पे बुकिंग्स का कॉलम आता है, तो वहाँ पे 3-4 बॉक्सेस बने हुए, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं। एक में आता है डे विजिट, एक में आता है कैंटर सफारी या फिर जिप्सी सफारी, कैंटर सफारी, नाइट स्टे और समथिंग मोर करके। तो सिर्फ अभी जो है 2 तारीख से लेके अभी कुछ टाइम तक 10 अक्टूबर तक शायद डे विजिट वाला या फिर मैं कहूँ तो जिप्सी सफारी वाला जो रेक्टेंगल है उसमें रेड कलर का बॉक्स बुक टिकट्स का इनेबल्ड है, बाकी सब में ग्रेड आउट है। ठीक है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज है, आपने बाकी ग्रेड आउट कर दिया, मतलब वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन इन्हीं बॉक्सेस को अगर आप ऊपर जाके नाइट स्टे का जहां पे मोर का ऑप्शन आता है, ऊपर में जाके आता है, नाइट स्टे वाले कॉलम पे जाते हैं, उसको क्लिक करते हैं, नाइट स्टे के उसमें जाते हैं, तो वहां पे जो बॉक्स खुलता है वहां पे नाइट स्टे का जो बुक टिकट्स वाला बटन है वो रेड है। वो रेड होने का मतलब वो ऐसा लगता है कि वो इनेबल्ड है, हालांकि उसको क्लिक करने के बाद कहीं कुछ पहुंचता नहीं है, लेकिन ये एक प्रोफेशनलिज्म का एग्जांपल है कि ये चीजें किस तरीके से मिस करी गई हैं यहाँ पे। अब अगर आप कोई चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आप इतनी बड़ी एक डिपार्टमेंट की तरफ से आप चीजों को बना रहे हैं, तो ऐसी मतलब मेजर चीजें आप कैसे छोड़ सकते हैं? वो भी बटन ग्रे आउट होने चाहिए थे, वो काहे के लिए रेड है, वो काहे के लिए इनेबल्ड है, उनका इनेबल होने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो एक मुझे वो चीज लगी कि जहां पे लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म लगा या फिर जो बनाने वाला उसने ध्यान नहीं दिया या जो टेस्टिंग करने वाले उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। चलिए आइए मतलब इसको भी अगर मैं थोड़ी देर के लिए एब्जॉर्ब करता हूँ, थोड़ी देर के लिए अपने साथ रख लेता हूँ, थोड़ा सा और नीचे जाता हूँ अगर मैं इसी वेबसाइट में, तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक कॉलम बना रखा है कि एनिमल्स टू स्पॉट इन कॉर्बेट। बहुत अच्छी बात है, आपने एनिमल्स के बारे में बताया, लेकिन सबसे पहले आपने एनिमल्स के अंदर सब कुछ डाल दिया, आपने बर्ड्स भी डाल दिए, आपने रेप्टाइल्स भी डाल दिए, आपने सब कुछ डाल दिया। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, आपने वो डाल दिया, दैट इज ओके, जनरल अंडरस्टैंडिंग एंड बुकिश नॉलेज के हिसाब से चलूं तो ठीक है, ओके है।
लेकिन आपने उसके अंदर स्लॉथ बेयर नहीं डाला, जो मतलब इतना मेजर चीज है भाई, भालू दिखता है कॉर्बेट के अंदर, भालू होता है वहां पे, झिरना जोन के अंदर, बिजरानी जोन के अंदर, डिखाला के अंदर, सब जगह भालू अवेलेबल है। जब भालू है तो आप भालू मतलब वहां पे नहीं दिखा रहे, एक मेजर एनिमल, ठीक है। उसके बाद घड़ियाल, घड़ियाल जो कि शेड्यूल वन में मतलब एंडेंजर्ड स्पीसी है, आप उसको भी नहीं दिखा रहे, घड़ियाल भी दिखता है कॉर्बेट के अंदर। आपने क्रोकोडाइल डाल दिया, आपने घड़ियाल नहीं डाला। सोना नदी जोन के अंदर, जो हल्दू पड़ाव के सेक्शन के अंदर, जो कि कॉर्बेट का ही पार्ट है, वहां पे जो घड़ियाल दिखता है आप उसको कंसिडर नहीं करेंगे अपनी वेबसाइट के लिए। आपने बार्किंग डियर नहीं डाला, ठीक है, बार्किंग डियर को छोड़ देते हैं, आपने गिने चुने सांबर डियर और स्पॉटेड डियर डाल दिया वहां पे, तो आपने बार्किंग डियर नहीं डाला, चलो मैं मानता हूँ ठीक है छोटा जानवर है, आपने छोड़ दिया। आपने पेंगोलिन नहीं डाला, आपने येलो थ्रोटेड मार्टिन नहीं डाला, तो आप क्या चीज प्रमोट करना चाह रहे हैं यहाँ पे, मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। आपने आधे से ज्यादा मेजर जो वहां के जो अट्रैक्शन है आपने उन्हीं को छोड़ दिया। येलो थ्रोटेड मार्टिन कोई इजी चीज है देखने के लिए, और कहीं हर जगह मिल जाती है जैसा कि आप सोच रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो। ऐसा तो नहीं है कि येलो थ्रोटेड मार्टिन सब जगह बहुत इजीली अवेलेबल है, आप सब जगह जाकर देख सकते हैं। ऑटर्स हो गए, ऑटर्स नहीं डाले आप लोगों ने, तो ये कौन डिजाइन कर रहा है, कौन सिलेक्शन कर रहा है, कौन आइडेंटिफाई कर रहा है, पता नहीं यार, किसने टेस्टिंग करी है, किसने क्यूसी करके इस वेबसाइट को पास किया है, आई रियली डाउट ऑन दैट। कि भैया ठीक है मुझे बुला लेते शायद मैं इससे अच्छी क्यूसी कर देता, या फिर और भी बहुत सारे भरे पड़े होंगे लोग जिनको अगर आप रीच करते तो बहुत अच्छी क्यूसी कर देते इसकी। तो अब पता नहीं, जो भी है ये भी चीज मतलब मुझे बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगेगी यार, आपने आधी से ज्यादा चीजें मिस कर दी, और वो भी इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर दी कॉर्बेट की। मतलब कैसे छोड़ सकते हो आप ये सब चीजें, टाइगर डाल दिया आपने, ठीक है एलिफेंट डाल दिया, विच इज ओके, मतलब ठीक है कॉमन है, बाकी सारी चीजें कौन ध्यान रखेगा यार, वो भी आप ही को रखना पड़ेगा ना सर, आप ही का फॉरेस्ट है, आप ही लोगों की गवर्नमेंट है, आप ही लोगों का एरिया है पूरा, हमारा तो नहीं है, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं, हमारा काम है देखना बताना, हमको जो लगा गलत लगा हमने बता दिया आपको, अब आपका काम है, अब आप देखिए। चलिए ये भी थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, एक और चीज के बारे में बताता हूँ मजेदार, थोड़ा सा और नीचे जाते हैं ठीक है, और इसी के नीचे होम पेज के नीचे ये एक ऑप्शन आता है ग्लिम्स एट द रेट कॉर्बेट। यार इसके अंदर टाइगर के अटैक की एक फोटो डली हुई है, टाइगर चार्जिंग की फोटो डली हुई है, आप क्या प्रमोट करना चाह रहे हैं यहाँ पे, आप टाइगर अटैक्स प्रमोट करना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट पे। हम यहाँ पे लड़ लड़ के एक साल से थक गए, दुनिया भर के वीडियोस बना बना के थक गए कि भैया हर टाइगर मैनेटर नहीं होता, हर टाइगर चार्ज नहीं करता, आप अपनी वेबसाइट पे इतना बड़ा बड़ा टाइगर चार्जिंग की फोटो लगा रहे हैं। अरे यार कौन है भाई, कौन है जिसने ये सब चीजें ओके करके अप्रूव कर दी, मुझे समझ में नहीं आता। होंगे आप आईएफएस, मैं आपकी नॉलेज को आपके लेवल को चैलेंज नहीं करता, लेकिन ये सर अच्छा लगता है क्या, ये सारी चीजें देख के अच्छी लगती हैं, टाइगर चार्जिंग की फोटो डाल रहे हैं, कोई अगर आना भी चाहेगा टूरिज्म को डी प्रमोट करेगा यहाँ पे, आपने वहां पे ये सब चीजें पहुंचा दी, इतने टाइम से यहाँ पे कॉर्बेट के अंदर मैन ईटर और ये टाइगर अटैक चल रहे थे, आप क्या उसी को प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे, आपने टाइगर अटैक की फोटो वहां पे टाइगर चार्जिंग की फोटो डाल दी, इट्स नॉट गुड, इट डज नॉट लुक गुड। टाइगर की इतनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फोटोज अवेलेबल हैं आप लोगों के पास, इतने बड़े बड़े फोटोग्राफर्स आते हैं, इतने बड़े बड़े लोगों से आप लोगों के कनेक्शन होते हैं, क्यों नहीं मिल सकते आप लोगों को अच्छी फोटोग्राफ्स, आप लोगों के डिपार्टमेंट के लोग अच्छी फोटोज खींच सकते हैं, छोड़िए बाहर वालों को, छोड़िए किसी और एजेंट को या बाहर किसी फोटोग्राफी फॉर्म को, आप लोग खुद खींच सकते हैं, आप लोगों के पास तो इतनी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। बट पता नहीं स्टिल आई डोंट नो, यही फोटो मिली थी आप लोगों को टाइगर चार्जिंग की जो कि आपने यहाँ पे डाली है। पता नहीं गाइज, मेरे को इन सब चीज़ों को देख के थोड़ा सा बुरा लगा, इसीलिए शायद मैं अपनी चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा हूँ। एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ अच्छा निकल के आएगा, हालांकि अच्छी साइट बनी है। अगर इन टर्म्स ऑफ बुकिंग वगैरह की बात करूँ, आप बुकिंग पे जाते हैं तो वहीं होम पेज पे आपको दिख जाता है कि कितनी आगे एक महीने तक का पूरा वो बार बना हुआ है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया कि आप एक ग्लिम्स में देख सकते हैं कि कहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं या टिकट्स अवेलेबल हैं, नाइट स्टे के लिए स्टे और वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप फटाफट उनको बुक कर सकते हैं। तो अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन और खास तौर से हिस्ट्री वाला सेक्शन जो आप लोगों ने मैप के साथ जो एक पूरा जो एक चार्ट बना के नीचे जो हिस्ट्री पूरी रिप्रेजेंट करी यार, वो बहुत शानदार है, वो बहुत अच्छा लगा और पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी वो सब चीज़ों। तो ऐसा नहीं है मैं सिर्फ बुरी चीज़ों की बात करूंगा, लेकिन जब इस लेवल पे चीज़ करी जाती है, अब भैया ये एक इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिपार्टमेंट पूरी कंट्री के एक मेजर टाइगर रिजर्व जो कि इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें ऐसी गलतियाँ कैसे हो सकती हैं। कोई फॉरेनर अगर यूएस से या यूके से या कहीं बाहर से इस चीज़ को एक्सेस करेगा, उसकी क्या फीलिंग आएगी कि हाउ अनप्रोफेशनल वेबसाइट इज दिस। तो यही सब चीज़ें मेरे माइंड में घूम रही थी, मुझे बुरा लग रहा था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। मुझे नहीं पता बाकी और लोगों का इस चीज़ के बारे में क्या कहना है, क्या मानना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आगे फॉरवर्ड करिए ताकि डिपार्टमेंट तक पहुँच सके। डिपार्टमेंट से अगर कोई ये सब चीज़ें देख रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस वीडियो को नेगेटिव मत लीजिएगा, किसी के ईगो के ऊपर मत लीजिएगा, आप ये देखिए कि यहाँ पे कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको रेक्टिफाई किया जा सकता है, ठीक है। मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ, अगर आप तक पहुँच रही है तो
अगर मेरे बोलने के तरीके में आप लोगों को कुछ बुरा लगा हो तो प्लीज आई एम सॉरी फॉर दैट, बट जो चीज गलत है वो गलत है, मैं वो चीज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एंड उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोगों तक पहुंच गई तो आप लोग इसको जरूर ठीक कराएंगे। इसी बात पे, इसी पॉजिटिव नोट पे आज के इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। तब तक के लिए जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, अपने हर वीडियो में कहता हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, एनवायरमेंट में साफ सफाई बनाए रखिए। जय हिंद।